सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर सख्त टिप्पणी की है और कहा है कि किसी आरोपी या दोषी का घर गिराया नहीं जा सकता। अदालत ने इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं माना है। अपने फैसले की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि उसका घर कभी न टूटे। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले में मनमानी और बिना सुनवाई के कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। जस्टिस गवई ने पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, घर पाने की चाहत हर व्यक्ति की होती है। जैसे कवि प्रदीप ने लिखा है कि घर सिर्फ एक संपत्ति नहीं, ये परिवार की सुरक्षा और सामूहिक उम्मीद का प्रतीक है। क्या हम कार्यपालिका को किसी व्यक्ति के परिवार की सुरक्षा छीनने का अधिकार दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये सवाल उठाया कि क्या एक आरोपी या दोषी होने के कारण किसी व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि ये मामला केवल संपत्ति के बारे में नहीं, बल्कि ये इस बात से जुड़ा है कि परिवार की सुरक्षा का अधिकार क्या है। कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले में नागरिकों के मन में डर और असुरक्षा को दूर करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश जारी करना जरूरी है। अदालत का मानना है कि जहां भी किसी व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया गया है, वहां लोगों को नोटिस देने और उसे चुनौती देने का पर्याप्त समय बिल्कुल मिलना चाहिए। इसके साथ ही वैकल्पिक आश्रय की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस तरह की कार्रवाई को दुखद बताया, जिसमें महिलाओं और बच्चों को रातों रात घर से बाहर फेंक दिया जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई अनाधिकृत संरचना सार्वजनिक सड़क, रेलवे लाइन या जल निकाय पर बनी हुई है या कोर्ट के आदेश के तहत, तो ऐसे मामले में दिशा निर्देश लागू नहीं होंगे। हालांकि किसी भी संरचना को ध्वस्त करने से पहले उसके मालिक को नोटिस देना जरूरी है और वो नोटिस प्रमुखता से पारदर्शित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए और इसके बाद नोटिस जारी होते ही कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को एक ऑटो जनरेटेड ईमेल भेजा जाना चाहिए ताकि बैक डेटिंग को रोका जा सके। आखिर में अदालत ने इस फैसले में स्पष्ट रूप से बुलडोजर एक्शन के संदर्भ में एक स्ट्रांग लक्ष्मण रेखा खींच दी है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी आरोपी या दोषी का घर बिना उचित प्रक्रिया और कानूनी अधिकारों से नहीं गिराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर और टिप्पणियों पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।